कुदरति ना जन्मीला विषय भुलियानु देवनीश गले पाशदी ते फिरे माया से पिशाची हरे करिया जय गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय श्रीफलय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी के नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद पद्म लित लीला विष्णु विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों से श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। आज जिनके तिरुभाव तिथि भक्तिवेदांत श्रील तीर्थ महाराज के चरण में यथाजुग प्रणाम करता हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम। हरे कृष्ण। आज एक वैष्णव का तिरुभाव, तिरुभाव मतलब है आज का दिन वो संत ये संसार छोड़कर चले गए। आज उनके बारे में हम कथा सुनते हैं। कहते भगवान से भी संतों बड़े दयालु। बोले क्यों? बोले भगवान का एक तिथि साल में या उनका जन्म तिथि, जैसे कृष्ण है, जैसे राम है, जैसे भगवान नरसिंह देव, उनका एक तिथि मिलता है, केवल उनका जन्म तिथि मिलता है। लेकिन भगवान तो मरते नहीं, वो अपना धाम से आते हैं, धाम में चले जाते हैं, इसलिए उनका एक तिथि। लेकिन जो संत लोग हैं उनका दो तिथि मिलता है। एक तो उनको जन्म तिथि मिलेगा और एक तिथि मिलेगा जब वो शरीर छोड़ देते हैं। यद्यपि शास्त्र कहता है न जन्म कर्म भगनम वैष्णवान च विद्यते, वैष्णव का जन्म कर्म नहीं है। भगवान जैसे जीव कल्याण के लिए आते हैं, संत भी जगत में कल्याण के लिए ही आते हैं। हैं, अगर ये चाहे तो शरीर में वैकुंठ विजय कर सकते हैं, लेकिन वो कृपा करके और एक तिथि को छोड़ करके जाते हैं। उनका तिरुभाव मतलब जिस दिन शरीर को परित्याग किया है। इसलिए आज हमारे गौड़ीय वेदांत हैं कहते ट्रस्ट के पहले जो आचार्य थे, जो प्रेसिडेंट थे, श्री भक्ति वेदांत श्रील तीर्थ महाराज जी का आज तिरुभाव। तिरुभाव मतलब आज का दिन उन्होंने शरीर छोड़ कर गए। इसलिए उनकी हम कथा सुनते हैं। कहते इनका जो जन्म है वे बंगाल में जन्म हुए हैं, और जो जन्म हुए उनको पिता माता ने भगवान से प्रार्थना किया, ठाकुर जी हमें ऐसे एक पुत्र दो जो बेटा भगवान की भक्ति करे, भगवान की भजन करे। सचमुच से ऐसे एक बेटा जन्म दिए जो बचपन से ही स्वाभाविक रूप में गुरु वैष्णव भगवान के प्रति जिनका प्रेम है। और जब वो 6 क्लास में पढ़ रहे थे उसी समय गांव में संत लोग गए प्रचार के लिए जाते थे, हमारे गुरुवर्ग प्रचार करने जाते थे। जब प्रचार के लिए जाते थे ये संतों को देख करके उसके हृदय से अपने आप भावना आई, मैं भी ऐसे संत बनूं। देखो संतों का जीवन कितने पवित्र है, पर उनका नाम कीर्तन भजन में मस्त रहते, आनंद में रहते हैं ना। लेकिन संसार में देखो सबसे दुखी दुखी, आज ये हो गया, कल वो हो गया, कल ये समस्या, कल ये समस्या, कल ये विपत्ति, इसकी छोड़ा बात नहीं सुनता है, चोरी चली गई, तरह तरह का संसार में समस्या समस्या है। इसलिए उन्होंने देखा ये भैया संतों का जीवन बड़ा पवित्र जीवन है, हर समय प्रभु का भजन भक्ति में मस्त रहते हैं, कोई जगत का दुनिया की कोई चिंता नहीं। देखा ये जीवन बहुत बढ़िया जीवन। उन्होंने कितने साल उम्र में, 11-12 साल उम्र में घर छोड़ा। इतने 12 साल में क्लास 6 पढ़ रहे थे, बोले हम तो इन्हीं संतन को साथ में जाएंगे, इनको साथ में भक्ति करेंगे। हैं, उन्होंने घर बार छोड़ करके केवल 12 साल उम्र में सब छोड़ करके मंदिर में आ गए। और आकर उन्होंने संस्कृत भी पढ़ा, थोड़ी बहुत संस्कृत भी पढ़ा है, और बड़े विद्वान थे, इतने बुद्धिमान थे। एक बार कोई चीज़ को सुन लेगा ना, कोई भूलते नहीं थे, कोई भूलते नहीं थे। और जब उनको किसी कथा करने के लिए बोलो, जैसे हम लोग गुरुदेव हमारी सबको बोलते थे तुम इन विषय पर बोलो, इस विषय पर, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना तुम भी भागवत कथा सुना। हमारे जो बड़े गुरु जी थे वो भी सब बच्चों को ट्रेंड करते थे। कोई भी गुरुवर्ग का तिथि आए, ठाकुर का तिथि आए,
राधाअष्टमी आए तो 4 दिन से राधा रानी कथा होता था, जन्माष्टमी आए तो 4-5 दिन से कृष्ण तत्व पर कथा चलता था, कोई गुरुवर्ग का तिथि आ जाए तो बस उनकी चर्चा उनकी कथा। इसलिए लेकिन हम लोग तो पहले प्रिपरेशन करते थे क्या कथा बोलेंगे, लेकिन उनको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, वो रसोई बना रहे हैं, रसोई बनाते बनाते गुरुदेव लो शुभानंद आ जाओ हरि कथा सुनाने के लिए, वो साफी पहन करके सर पर पगड़ी कपड़ा बांध करके आकर के सीधा माई के लिए धड़ाधड़ बोलना शुरू कर, मतलब इनका दिमाग इतने तेज था, इतने तेज दिमाग था, एक बार कोई चीज वो सुन लेगा तो कभी भूलते नहीं थे, कभी भूलते नहीं थे। और सबसे कम पढ़ाई लिखाई था, क्लास 6 तक पढ़ाई लिखाई किया था है? और बड़े धुरंधर और दिन रात साधु संत की सेवा में, ठाकुर की सेवा में दिन रात अपने रहते। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुख ही जिहादौ स्मरण स्वयं स्मृत। इसका मतलब है कहते हमारे जो इंद्रिया है जड़ इंद्रिय प्राकृतिक इंद्रिय है, इसलिए प्राकृतिक इंद्रियों को द्वारा जो अप्राकृतिक जो भगवान है जो गुरु वैष्णव है हम उनको समझ नहीं सकते। इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा, बोले सही जाने जा रहे देव जाना है, उनको वही जान सकते हैं भगवान कृपा करके जिसको जनवाते हैं। अगर ठाकुर जी अगर किसको नहीं जनवाए जनाए तो जगत में कोई भी उनको नहीं जान सकते। अभी प्रश्न है फिर उनको जानेंगे तो कैसे जाने, जानेंगे कैसे, बोले तभी जान सकते हो जब निष्कपट होकर के हम साधु संतों की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। कि जगत में सेवा ऐसे एक वस्तु है ना, भगवान कहते बस्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्पत्नीम सत्पतिम यथा, जैसे एक पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करते 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 इतने वशीभूत कर लेता है, दिन रात एक करके पति पैसा कमाएगा, सारे पैसा कमाएगा, लेकिन महीना का जो तनख्वाह पूरा किसको ला कर देता है, बीवी एक नहीं अपना पत्नी को दे देती है, बोले क्यों पत्नी को देती है, कारण क्या, वही सेवा करते हैं, वो जानते हैं अगर पैसा अगर पत्नी को हाथ में देगा तो सही सही घर को चलाएगा, संसार को सही सही चलाएगा है, पैसा को सही व्यवहार करेगा। और जो अगर पति अगर 100 रुपया मांगे ना 1000 पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा क्या करो क्यों मांग रहे हो, 50 रुपये काम चले जाएगा है। इसलिए कारण क्या, वो सेवा करती है। जैसे एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करते 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 उसको वशीभूत कर लेता है, भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त हैं दिन भर मेरे सेवा करते 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 मेरे को वशीभूत कर लेते हैं, पूरा उनको वशीभूत कर लेते हैं। इसलिए कहते कोई सेवा के द्वारा ही भगवान को वशीभूत कर सकते हैं। इसलिए ये जो हमारे तीर्थ महाराज थे कहते वो इतना सेवा करते थे, इतने कहते जूता सिलाई से लेकर के चड्डी पाटते, मतलब क्या, छोटे से छोटे सेवा और बड़े से बड़े सेवा, छोटे से छोटे सेवा झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना है, बर्तन साफ करना, रसोई बनाना, कोई भी सेवा, और चड्डी पाट मतलब हरी कथा बोलना, प्रचार करना है, प्रचार करना। इसलिए इन्होंने इतना प्रचार किया, इन्होंने इतने प्रचार गांव गांव में जा करके, हम क्योंकि माता जी बोल रहे थे कैसे प्रचार किया, कहते कहीं गए किसी गांव में प्रचार करने के लिए, जिसको जानते नहीं क्या करते, घर को गले घर को बाहर सोए, घर में नहीं घर को बाहर सो गए, सो करके अपना इतना बड़ा बैग है कपड़ा लगा रखे हुए घर को बाहर सो गए, और रात भर वहीं पर बाहर सोए, और सवेरे होते ही फिर कपड़ा उठाया बैग उठाया वहाँ से चल दिए, और कहीं गए प्रचार करने के लिए, घर में जगह नहीं, बहुत सारे भक्त लोग हैं, बस कहीं टेंट लगा करके और कहीं जैसे मच्छरदानी लगा कर बाहर कहीं सो गए रात को, और सवेरे जा करके एक घर में नहीं कितने कितने घर में हर घर में घर में जा जा करके हरी कथा बोलना प्रचार करना। और इतना भिक्षा लाते थे, इतने भिक्षा लाते थे महापुरुष सेवा के लिए, नवद्वीप परिक्रमा करने के लिए इतने सेवा लाते थे परिक्रमा करने के लिए, सब तो उन्होंने फैल कर दिया।
सबको उन्होंने फेल कर दिया। अभी तक इतने कोई भी चावल जितना भिक्षा लेकर के आते थे, इतना कोई भी अभी तक हमारी सोसाइटी में इतना कोई भिक्षा कर नहीं सकता। लरी के लरी चावल हैं और काशीफल और जितने आलू हैं, हमारे नवद्वीप परिक्रमा में 10,000 लोगों का प्रसाद बनता है, सभी के लिए हैं, सभी के लिए ले आते सभी के लिए। और इनको जो सेवा है, छोटे से छोटे व्यक्ति को घर में जाए जाकर प्रचार करना, बड़े से बड़े व्यक्ति को घर में जाकर प्रचार करना, कोई ये नहीं ये साधारण लोग जो घर में हम कैसे जाए, नहीं, साधारण से साधारण घर में जाना और बड़े से बड़े घर में जाना, सबको घर में बराबर मान करके जाते थे और सबसे भिक्षा लेकर के सबसे आते थे हैं, और ला करके उसको गुरु वैष्णव की सेवा में लगा करते हैं, इनको गुरु वैष्णव सेवा में लगा देते। इसलिए अगर कोई मंदिर में कोई जैसे उत्सव, जब मैंने पहले मथुरा में आया देखा वहाँ पर राधाष्टमी जन्माष्टमी, बाहर से कोई व्यक्ति उसे नहीं मना, ये अकेले हैं, अकेले रसोई क्या गर्मी में साफी पहन लिए और पसीना पसीना लकड़ी से, कोई गैस नहीं, लकड़ी का चूल्हा में सर्दी से पसीना पसीना बह रहा है, एकदम पसीना पसीना बह रहा है, और घूमते लेकर के दाल चावल सब्जी पूरी, क्या अक्लांत परिश्रम करते थे, अक्लांत परिश्रम, हमसे तो नहीं हो सकता इतना परिश्रम, शरीर से पसीना पसीना बह रहा था। और इनका हाथ का जो प्रसाद है ना खाना, ऐसे नहीं, बड़ा टेस्ट है, बड़ा टेस्ट है, उनको चटर बटर पसंद करते, कैसे नहीं, साधारण नहीं, ओ क्या, जैसे राधा जी की वरदान मिला है ना, अमृत हंसता है, इनका हाथ भी अमृत हंसता, कोई भी चीज़ बनाएंगे कोई ऐसे नहीं, बड़े टेस्ट, बड़ा टेस्ट पूर्ण सब्जी बना देते हैं। और इनकी सब्जी खाने के लिए पूरा मंदिर में मथुरा में वहाँ होता था उत्सव, मथुरा लोग तरसते थे, तीर्थ महाराज के हाथ सब्जी खाएंगे, उसमें नमक मिर्च मसाला दे करके बड़े सुंदर ये रसोई बनाते थे। और इनके हृदय में दया बहुत ज़्यादा थी, जैसे कोई अभी नया कोई स्वेटर पहने, अगर कोई बच्चा बोला महाराज जी हमारे पास में कोई पहनने का कुछ है नहीं, ठंडी का समय अपना उतार कर ले, इसको ले, बड़े दयालु, कोई भी चीज़ के लिए लो इसको ले तो पहन लो। अगर उनके पास में कोई भी व्यक्ति जाए हैं, व्यक्ति जाए तो बोले महाराज जी हमको वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं है, जो पास में पैसा होगा ना उसको निकाल कर ले, कितना पैसा चाहिए लो इसको ले जाओ पैसा ले, मतलब कोई कंजूसी इनके हृदय में कोई कंजूसी भाव था, इसलिए कंजूसी नहीं होने का नाते इनको पास में बहुत पैसा आता था हैं, बहुत पैसा आता था, क्योंकि एकदम और आता था जैसे, और हाथ खोल करके जैसे देते थे, हाथ खोल कर देते थे, इसलिए बंगाल में उन्होंने कठोर परिश्रम करके उन्होंने जगह जगह पर जा जा कर उन्होंने मंदिर स्थापन किया, करके 70 मंदिर का उन्होंने स्थापन किया बंगाल में अलग अलग, उन्होंने अकेले बंगाल में इतना प्रचार किया, इतने प्रचार, हम 5-6 लोग मिल करके भी, जो अकेले जितना प्रचार करते थे हम 5-6 लोग मिल करके भी उनको फील्डिंग हम पूरी नहीं कर पा रहे, वो इतने जगह पर जा जा करके साधारण साधारण घर है, बड़े से बड़े घर में जाकर करते थे, इसलिए भगवान ने उनको दिया मैंने दिया, इसलिए उनको ऐसे एक शिष्य बना कलकत्ता में हैं, संजय एक शिष्य बना, बड़े पैसा वाला, अच्छा पैसा वाला शिष्य बना, कोई सेवा के लिए बोलो बात, जैसे नवद्वीप मंदिर में उन्होंने भी क्या सेवा करें, बोले सारे मूर्ति हो गया था, पेंटिंग नहीं हुआ था, उन्होंने पेंटिंग करवा दिया, कलकत्ता हमारे नवद्वीप मठ में जो बहुत बड़ा जो छत बनाया, जो टीन का छत उन्होंने बना दिया, बना करके समाधि मंदिर जितने समाधि मंदिर बने हुए हैं, अभी हम तीर्थ महाराज का समाधि मंदिर भी वो बनाने जा रहे हैं, तो मंदिर भी बनाएंगे, और उसको साथ साथ उन्होंने इतने परिक्रमा में लोग आते हैं, इतना बड़ा छत बनाया जिसमें सब लोग रहते आसानी से रहते हैं, कोई बरसात फरसात के लिए कोई डर भय नहीं, इसलिए भगवान इनको जैसे दिया भी इनको दिया, हमने देखा जो जितना ठाकुर को सेवा करते हैं ठाकुर जी उनको उतना देते हैं, जैसे हमारे एक मुखरा दीदी जो चाइना की मुखरा दीदी थी, मुखरा दीदी भी उनको बहुत मदद करती, बहुत
हजार हजार लोग हमारे मंदिर में इस बार तुमको आना नवद्वीप परिक्रमा, हमने कहा कौन नंबर होंगे नवद्वीप परिक्रमा माना, इसको हम संत बनाएंगे। तुम्हारे पोता है, तुम्हारे पोता है ना, दो पोते हैं ना, एक तो संतों की सेवा करेगा और एक तुम्हारी सेवा करेगा, ठीक है। और ये अच्छे तरह से पढ़ ले इसको बढ़िया से, और थोड़ी सी पढ़ ले जैसे हम कथा करते हैं ना, इसको ऐसे ही लगा देंगे सब जगह में, भक्ति की प्रचार करेगा, तुम्हारी नाम होगा जगत में। देखो इनकी छोरों को छोरा को देखो कैसे भगवान की भक्ति करता है और दूसरों को भगवान के भजन में कैसे लगाता है, ठीक है ना। इसलिए कहते ये जो तीर्थ महाराज हमारे जो तीर्थ महाराज थे, वो तीर्थ महाराज बड़े दयालु बड़े कृपालु थे, बड़े कृपालु बड़े दयालु थे। इसलिए कहते कहते ये हरि कथा किसी विषय पर, किसी विषय पर इनको खड़े कर दो बोलने के लिए, क्या सुंदर कथा सुना। जब बंगला बोलते थे लगता था ये बंगाली है, तो बंगाली, लेकिन जब हिंदी बोलते थे ना इनको कोई नहीं समझ पाएगा ये बंगाली है, इतने सुंदर हिंदी। अंग्रेजी भी बोलते थे, विदेश में चाइना जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, अमेरिका में जाते थे, हैं रशिया जाते थे प्रचार करने के लिए। इसलिए कहते इन्होंने सब जगह पर गए प्रचार करने के लिए, सर्वत्र प्रचार के लिए गए। महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी से आशीर्वाद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है, एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी में सर्वत्र मेरे नाम प्रचार होगा। और ये महाप्रभु सर्वत्र जाकर प्रचार किया, सर्वत्र विदेश विदेश गए, छोटे से छोटे व्यक्तियों के पास में गए, भारत में तो बम्बे कलकत्ता दिल्ली मद्रास सब जगह उड़ीसा सर्वत्र जब सर्वत्र इन्होंने प्रचार और उन्होंने प्रसार सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। इसलिए कहते ये जो महाराज थे ग्रंथ बहुत सारी उन्होंने पिछले बोले तीन मृदंग, एक जीवंत मृदंग एक बृहत मृदंग एक है कहते साधारण जो मृदंग है, इसलिए कोई अगर नहीं हो ना पास खुद मृदंग बजा कर कीर्तन बहुत कीर्तन पसंद होता, बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन करते थे, बड़े सुंदर सुंदर हरि बोल वो आर मदन मोहन हे रो, ये भजन को बहुत उनको प्यारा भजन था, ये भजन गाते थे। फिर जो बृहत मृदंग है इसको ग्रंथ कहते हैं, इन्होंने बहुत सारी ग्रंथ उनने ग्रंथ को भी उन्होंने रचना की है, फिर जैसे गीत गोविंद ग्रंथ रस ग्रंथ रासलीला ग्रंथ भागवत का दशम स्कंध करने जा रहे थे, भागवत ग्रंथों को उन्होंने बना रहे थे, भागवत ग्रंथ मूल ग्रंथों को, इसलिए उन्होंने बहुत ग्रंथों को भी रचना उन्होंने की है बड़े सुंदर रूप में, ग्रंथ को रचना और प्रचार के लिए तो सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया ही प्रचार है। वो बोलते थे पहले मथुरा मठ में जो पानी जैसे मशीन पहले मशीन ले लगा हुआ था पानी नीचे आता था, लेकिन वहाँ से बाल्टी में भर भर कर ऊपर ले जाते, वो बोलते थे मैं जब एक बाल्टी पानी जब नीचे से ऊपर ले जाता था वो लेते समय एक श्लोक याद है, ऊपर लेते थे आते आते एक एक श्लोक, एक एक बाल्टी पानी उतारने में चढ़ने में मैं एक एक श्लोक याद कर लेता, और इतनी उनकी श्लोक याद इतनी उनकी श्लोक याद, बोले क्यों पहले सेवा करते थे ना, कहते जो सेवा करता है ठाकुर जी की भगवान स्वयं ये विद्या ब्रह्म विद्या को भगवान स्वयं उनको प्रदान करते हैं, और परिक्रमा जब होती थी उनके अंदर में एक विशेष गुण, हम तो पहले हम खा लेते थे लेकिन वो बहुत लोग आते थे परिक्रमा में, जब तक सबको खिला नहीं देंगे तब तो खाएंगे, अरे सबको खिला पिला करके जब सब लोग खुश होकर चले गए, अगर सबको खिला दिया तो अगर वो खा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति नया लोग आ गया कोई नए लोग व्यक्ति आ गया जिनको भोजन नहीं मिला वो अपना प्लेट दे दे इसको तुम ले लो तुम खा लो, मतलब इतने इनके हृदय में दया की भावना थी। और अगर हम जैसे हम लोग बोलते महाराज जी आप प्रसाद नहीं पाते जितना साधु आपको हम महाराज को कुछ सेवा देते, महाराज सबको सामने लेकर खाते सब लोग जो मांगेगा उसको देते देते बस सब खत्म, बस अपना लिए कुछ सही नहीं, सब कैसे बांटते 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 खत्म हो जाते और अपना लिए कुछ भी नहीं है, हैं। और जैसे हम लोग परिक्रमा में जैसे कभी हमारे हम लोगों के लिए कभी कभी किसी ने थोड़ा बहुत बना कर ले आता है प्रसाद को बना कर ले आता है,
बोलते थे ऐसे नहीं खानी चाहिए, मना करते थे, बोलते हैं मतलब सब लोग जो खाते हैं वो चीज़ हम ही खानी चाहिए। अगर सब लोग एक चीज़ खा रहे हैं, हम खुद अलग चीज़ खा रहे हैं, कहते थे गुरुदेव कहते थे वो बीस खाना, सबको सामने अलग अलग कोई चीज़ खाना होता है बीस खाना, इसलिए सब लोग खाना ऐसे की चीज़ें सब उसके प्रति लोग नज़र लग जाती है। कोई अगर हम एक जगह पर बैठे, कोई साधारण व्यक्ति से साधारण एक चीज़ खा रहे हम अलग चीज़ खाते हैं ना, उस प्रति लोग नज़र बढ़ जाती है। इसलिए बोलते थे जब भोजन करो सब लोग जो भोजन करते हैं उनके साथ अगर अलग किए तो अलग बैठो, सबको सामने बैठ कर उस चीज़ को मत लो, खाना का चीज़ ऐसे की चीज़ है। और कहते हैं अगर गुरु जी जैसे सबको कथा बोल, हम तो बड़े गुरु जी सबको कथा बोलने का मौका देते थे, तुम भी बोलो तुम सब बोलो, अगर इनको नहीं बोलने के लिए दिया ना बस मान कर लें खाना पीना छोड़ दें, लाज हमको कथा बोलने नहीं दिया। इसलिए महाराज बोलते थे लोग डरते हैं अगर हमें बुलाएंगे तो कथा बोलने के लिए डरते हैं। वो कहते महाराज कहते हैं बोले हमको तो कथा बोलने नहीं देता, हम पेट में रोटी हजम नहीं होती है, फिर कर रोटी हजम नहीं होता है अगर हमें कोई कथा बोलने के लिए नहीं दिया तो, ऐसे अगर कथा बोलने नहीं दिया तो कुछ खाना नहीं खाएंगे। कभी कभी गुरु जी के रसोई बनाते ना, गुरु जी के लिए भी कभी रसोई नहीं बनाएंगे, हमको तो कथा बोलने आपने नहीं दिया हमें आपने कथा बोलने नहीं के लिए दिया, मतलब ऐसे कथा बोलने के लिए जैसे शंकर जी पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरा जी ऐसे ही ये कथा बोलने के लिए इतने एक्सपर्ट है और इतने उत्साहित है। लेकिन कथा किसकी? भगवान की कथा, भगवान का गुणगान है, भगवान गुणगान है। इसलिए कहते ये इनको हम कहते ऑलराउंडर है, सब चीज ऐसे कोई चीज जो तो नहीं जानते। वहाँ कभी नाली मंदिर में परिक्रमा में बहुत लोग आ गए, वो कोई कपड़ा वपड़ा डाल के तो नाली हुए जहाँ पैखाने का नाली जहाँ खूब उतर करके अपना हाथों से हैं जो जो काम को जमादारी नहीं करते हैं वो अपना हाथों से सारी पैखाना को साफ करना, सारी नाली को साफ करना अपना हाथों से, ऐसे कोई सेवा नहीं जो सेवा में लग नहीं जाता हर सेवा को। इसलिए जब रूप सनातन गौड़ी मठ बन रहा था इन्होंने अक्लांत परिश्रम करके सवेरे चले जाना, जा करके खड़े होकर के लेबरों से काम करवाना करके फिर शाम को आते थे, शाम को आते थे। मैं उस समय नया नया आया था मथुरा मठ में, मेरे को तो रोसी बनाना नहीं आता था, पहले जानता नहीं कभी सीखा है। वहाँ पर बाहर के बोले सीखो, रोसी नहीं बनाना सीखोगे तो तुम किसी को भी सेवा नहीं कर सकते, ठाकुर भी खुश नहीं होंगे, वैष्णव भी खुश नहीं होंगे, गुरु जी भी खुश नहीं होंगे। ये रोसी ऐसे की चीज़ है ठाकुर को भोग लगेगा, ठाकुर जी भी खाए, उसके बाद में सारे गुरुदेव भी खाए, वैष्णव लोग संत लोग पाए, गुरुदेव बोलते थे रोसी सेवा ऐसे की सेवा है जो सबको तुम खुश कर सकते हो रोसी बना कर खिला कर। इसलिए मैं तो नया नया आया था, मेरे को पता नहीं था, और उनको चक्कर पर अच्छा लगता है। लेकिन जब वो आते थे उधर से काम करके वृंदावन से मथुरा में आ जाते थे शाम को, और कभी मेरे उसे जैसे नया नया बनाया तो टेस्ट नहीं हो तो लाइक क्या बनेगा, तो टेस्ट नहीं बनेगा फीका तो मैंने बना दी। उनको फीकी पसंद नहीं, उनको चटर बटर पसंद है, चटर बटर उनको पसंद है। कभी कभी मेरे को शुगर की वजह से कभी हम दालिया खा लेते, मैंने महाराज अब दालिया खाओ, अरे बोले कोई खाने का चीज़ है, खाएंगे तो पराठा बनाए, पराठा बनाओ चटर बटर अचार लाओ, उनको चटपटी अच्छी लगती थी, इसलिए उसका जो बनाते थे हर चीज़ चीज़ चटपटी, हर चीज़ चटपटी बनाते थे, बढ़िया सुंदर करके रोसी बनाते थे। उन्हीं का हाथ का जो लवड़ा है ना जो गड्ढे का सब क्या टेस्ट बनाते, बड़े सुंदर टेस्ट, कोई भी चीज़ में हाथ लगा देंगे तो वो बढ़िया बना देते। इसलिए और ये इतने बुद्धिमान थे, क्लास छः तक तो पढ़े थे, लेकिन मथुरा में दो तो तीन चार व्यक्तियों जो पीएचडी पढ़ते थे, पीएचडी पढ़ाया करते थे, हमने देखा, हमने दो लड़के को तो पीएचडी पढ़ाया, क्लास सिक्स तक पढ़े थे, इतना बुद्धि नहीं, लेकिन बोलने में जो तेज था और किसी विषय वस्तु पर सब्जेक्ट पर
और जो बोलते थे ना इतने गहरा, इसलिए इनकी कथा सुन करके मथुरा में जो बड़े बड़े पंडित लोग थे क्लास सिक्स तक पढ़े, हे जब ये लेक्चर देते थे हरी कथा बोलते थे सब सुन सुन दंग रह जाता क्या बोलता है सेवा। इसलिए गुरुदेव भी स्वयं जब वेदांत सूत्र के ऊपर ही व्याख्या करते थे, वेदांत सूत्र के ऊपर में जब बोलते थे गुरुदेव बोलते थे इसके अंदर कुछ चीज है, इसके अंदर कुछ चीज है, इसके अंदर जब वेदांत सूत्र को जब व्याख्या करते थे बोलते थे सूत्र को इतने सुंदर बोलते थे वेदांत सूत्र, इसलिए उन्होंने दो दो व्यक्ति उन्हें पी एच डी करवाया उनको पढ़ा करें ऐसे बुद्धि इनके अंदर में है। इसलिए और इनके अंदर में भगवान के प्रति जो शरणागति का जो भाव है ना बहुत शरणागति, शरणागति में छह तरह का शरणागति, उसमें एक है रक्षिष्यति इति विश्वास और गुप्त रूप से वर्णन करते कहते जो भक्त होते हैं उनको पूर्ण विश्वास होनी चाहिए भगवान हमें रक्षा करेंगे, भगवान हमें पालन करेंगे, इनके अंदर भी दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास इनके अंदर में है एकदम दृढ़ विश्वास भगवान हम जरूर रक्षा करेंगे। तो दुर्वासा जो मंदिर है इन्होंने जाकर के बड़ा संघर्ष वहाँ पर था जाकर उसको बीच में जाकर उन्होंने वहाँ पर गए जाकर खड़े होकर के मंदिर बनाना, कुछ आसपास के लोग बड़े विरोध थे लेकिन उनको बीच में खड़े होकर कोई डर भरे नहीं है, कोई डर भरे नहीं और वो खड़े होकर के मंदिर बना और वो पहले इतने कड़ी धूप है लेकिन वहाँ जाकर जमीनी जगह तो देखना अरे तो बहुत सुंदर हरभरी हो गया, लेकिन इनका हाथ उसमें बहुत इनका हाथ है, बहुत इनके हाथ है। इसलिए हाँ दुष्ट और जब ये बंगाल में प्रचार करने जाते थे जैसे हम लोग क्या चाहते हैं मतलब अच्छे अच्छे लोग जाए जो प्रचार करने के लिए जाए अच्छे, लेकिन इनको जितने जो बात नहीं सुनता जो दुष्ट इधर उधर सबको लेकर उन्होंने प्रचार किया, जैसे नित्यानंद प्रभु डाकुओं को डाकाओं को उधर उधार किया, इन्होंने भी जो जितने सब उत्पटांग जो पता नहीं सुनने वाले जो उल्टा सब इनके साथ में सबको लेकर सेवा में जा तू ये सेवा कर तू ये सेवा कर सबको लेकर के किसी को छोड़ते नहीं थे, उल्टा पुलटा जितने लोग भी है सबको भी देश हाथ में ले जाएंगे बोला अरे कुछ तो करेगा सेवा तो करेगा जो कुछ करे चलो हैं उनको पास में रखकर जो जानते हैं चोरी करता है चोरी भी उनका बहुत सारी चीज ने किया जानते वहाँ चोर है लेकिन उसको भी साथ में लेकर के जानते ये दुष्ट है उसको भी लेकर उन्होंने पास में रखा तो कोई बात नहीं पास में रहो जाओ कम से जाओ तो उधर जाकर प्रचार करो उधर जाओ प्रचार करो तुम उधर चले जाओ जा जाकर उधर सारे काम करके आओ, ये सबको साथ में नित्यानंद गुरु सबको कल्याण किया, इन्होंने भी सबको घर में इन्होंने भी कल्याण किया है और इनके अंदर में कोई आलस्यता नहीं था, कोई आलस्यता नहीं, अभी अभी सेवा करके आए अभी अभी दिन भर थके हुए महाराज के थोड़ा कोई चारण दबा रहे थोड़ी सी सेवा कर रहे दो दिन में फिर उठ गए जाकर क्यों सब लोग प्रसन्न पाए, सब लोग भोजन किया कि नहीं सब लोगों ने जाकर के देखना सब लोगों को देखना कोई शरीर में तो कोई भी इनकी आवश्यकता नहीं था हैं। और इनके अंदर में कहते महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखी तुष्ट हन गौर न कहते महाप्रभु का जो भक्त है कहते उनके अंदर में वैराग्य मेन उसको वैराग्य है वैराग्य उनके अंदर में एकदम सीधा हताब देखना जो कुछ कपड़ा मिल गया पहन लिया जो कुछ खाने के लिए मिल गया ऐसे नहीं ये नहीं खाऊंगा ये नहीं ये होनी चाहिए ऐसे कुछ भी नहीं जो कुछ मिल गया बस उसको खा लिया खा करके और एक साथ में मिला कर देखते नहीं था दाल को चावल को डाल दिया नहीं सब चीज़ अलग अलग होनी चाहिए भले ही थोड़ी चीज़ें हो सब चीज़ अलग अलग हो है अलग अलग रखनी चाहिए जो इच्छा उसको खाएंगे एक साथ में मिला कर तो खा नहीं सकते इसलिए एकदम जैसे तैसे पहनना जैसे तैसे रहना जहाँ पर सो जाना ऐसे नहीं हमारे लिए जैसे हम लोग पहले कहीं जाएंगे ना परिवार हम देखेंगे हम सबसे बढ़िया जगह हमारे कहाँ पर है हम रहने के लिए जाए ना ऐसे कुछ नहीं इनके अंदर कहीं भी सो जाना कहीं भी बैठ जाना कहीं भी खा जाना कहीं भी जैसे हम लोग गए थे ना कथा करने के लिए इस्लामपुर में वो कैसे कथा करते थे खटिया बिछा गया ऊपर कुछ हो जैसे हम लोग सिंहासन बैठ गए इधर उनका नहीं वहीं पर बैठ के भागवत रख लेंगे बैठ गए बस कथा करना सीख इन्होंने ऐसे ही जा जा करके सब जगह इन्होंने प्रचार और प्रसार किया है एकदम सीधा सीधा जीवन है हाँ। और जब ये पहले नवद्वीप मठ में आए इनको अंदर में पहले भंडारी का दायित्व दिया
भंडारा देखना है, जिले पे क्या खर्चा हुआ नहीं है, खर्चा हुआ किया हुआ नहीं हुआ, यानी कुछ भंडारे का दायित्व उनको बोल दिया था इसलिए। और जब ये कथा करते थे ज्यादा ब्रजवासियों की कथा, गोपियों की कथा, राधा रानी की कथा, इनको बहुत पसंद था। और जब कथा करते थे ना इनका आंखों से आंसू बह जाते, जो लोग देख करके बड़े आश्चर्य हो, इनके आंखों से कथा करते जा रहे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, अरे क्या भाव में विभोर हो गए, हमारे अंदर में ये जाना कठिन है, हमने देखा। ऐसे सरल सीधा वास ब्रजवासी गोपियाँ कृष्ण कैसे ब्रजवासियों को छोड़ करके जा रहे हैं, हैं? उद्धव कैसे ब्रज में आए, कैसे गोपियाँ बैठ करके बैण गीत गा रहे हैं। वहाँ जब ये कथा है ना, वहाँ आंखों की आंसू की झड़ी, उनके आंखों से आंसू की झड़ी बहने लग जाती है, इतने रोते थे महाराज जी हैं। और मुझे बनाना पढ़ाई में सबसे, इसलिए सबसे पढ़ाई में कम थे लेकिन सबसे बड़ा विद्वान, हमारे जितना हम लोग संगीत थे अगर हम विचार करेंगे सबसे कम पढ़ाई हुई लेकिन सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे सबसे बड़े, इसलिए मात महाराज ने संगे लड़ा। इसलिए कभी कभी हमारे जो बड़े गुरुजी थे, गुरुजी को साथ में भी कभी लड़ पड़ते थे, क्योंकि उनके साथ में इतना मित्रता थी, बड़े गुरुजी को साथ में इतना मित्रता थी, कोई भी इधर उधर चीज़ देखेंगे तो जैसे जो चीज़ हम गुरुजी को हमने बोल नहीं सकते, बस बोला जाएगा गुरुजी ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, कभी कभी गुरुजी को साथ में भी कभी ये लड़ पड़ते थे गुरुजी को साथ में, क्योंकि उनको साथ में इतने इनके अंदर में इतने मित्र था, इनको साथ में थी। स्वभाव, और इनका जो स्वभाव है ना बहुत बालक वत्सल, हर समय हंसी खुशी, कभी उनके मन में कभी दुख नहीं देखा, हर समय में हंसी खुशी रहना इनका स्वभाव था हैं। इसलिए परिक्रमा, जब वो परिक्रमा में आते थे, जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा व नगरदीप परिक्रमा, कोई व्यक्ति आए हैं उनके पास में पैसा नहीं इतना देने के, उनके हाथ में लेकर पकड़ करके जो दे दिया महाराज रख उसको उन्हें रख लिया, नहीं बोलते नहीं इतना पैसा देने पर तुम परिक्रमा कर सकते हो, अगर बड़े दयालु, इसलिए इसलिए भगवान इनको देते थे, इनको देते थे, मैंने देखा है, इसलिए जो हाथ में पकड़ कर दे दिया वही रख लेते, बड़े दया, इसलिए अभी भी भक्त लोग उनको याद करते हैं, हैं? अभी भी याद करते हैं, हमारे गुरु जी चले गए हमें कोई पूछने वाला है नहीं, हमारे गुरु जी कितने दयालु, अभी भी भक्त लोग उनको मंदिर कहते हैं, इनकी नाम को लेकर के अभी भी भक्त लोग दुखी होते हैं, हमारे गुरु जी चले गए कितने दयालु। और जो मठ में कहते ये जैसे मंदिर स्थापन हो रहा है ना, ठाकुर को स्थापन करना, भगवान की स्थापन करना, सब सब जानते थे, हवन यज्ञ सब, ऐसी कोई चीज नहीं जानता थे, जैसे ठाकुर को अच्छे तरह से कैसे स्थापन करनी चाहिए, मंदिर कैसे स्थापन होनी चाहिए, गृह कैसे स्थापन होनी चाहिए, यज्ञ कैसे करनी चाहिए, बस ऐसे कोई चीज नहीं जो चीज उनको नहीं आता था, सारे चीज हर चीज में एकदम एक्सपर्ट हर चीज में थे। इसलिए आज इनकी तिरुभाव तिथि और इन्हने जो शरीर छोड़े हैं, मतलब कोई कष्ट भोगे नहीं, कोई कष्ट नहीं भोगे, एकदम खाए प्रसाद पाए विश्राम कर लिया, मेडिकल बस उन्हें मेडिकल में जाकर के लेकर भर्ती कर दी था, बस खाए प्रसाद पाए, फिर दूसरा बार उठे गए प्रसाद देंगे, फिर खाए विश्राम किया तो मेरे शरीर छोड़ दिया, जैसे बहुत दिन तक कोई विश्राम में पड़े रहे, चलते फिरते करते 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 उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसलिए आज श्रील महाराज जी की भक्ति व्यथम तीर्थ गोस्वामी महाराज का तिरुभाव है, वो हम सबके ऊपर में आशीर्वाद करें, उनके अंदर में जो गुण था सरलता वैष्णवता, दूसरे वैष्णव को इज्जत देना, सभी को सेवा करना है, उनके अंदर में जो गुण था वो हम सबको ऊपर में कृपा करें, और थोड़ी बहुत गुण भी हमारे अंदर में आ जाए तो हमारे जीवन भी धन्य हो जाएगा। नित्यलीला प्रभुशील भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज की जय। बोले श्री गुरुपाद पद्मती जय, सबरी कर गौर हरि की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि, हरि कृष्णा हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.